सच्चा साबू साबूदाना उपमा। इसके लिए हमें चाहिए सच्चा साबू का साबूदाना, चीनी दाना वैरायटी ले रही हूँ मैं। एक कप सच्चा साबू साबूदाना लें। ध्यान रखें कि ये रेसिपी हम चीनी दाना वैरायटी से बना रहे हैं। इसे दो कप पानी में दो घंटे के लिए भिगो लें। एक छोटा चम्मच उड़द दाल, एक छोटा चम्मच सरसों दाने, एक छोटा चम्मच चना दाल, एक चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक, कुछ कड़ी पत्ते, कुटी हुई मूंगफली, आधा कप बारीक कटी गाजर और शिमला मिर्च, दो बड़े चम्मच घी गरम करें। इसमें सभी दाल और मसाले डालकर खुशबू आने तक भूनें। भुने हुए दाल और मसालों में बारीक कटी हुई सब्जियां डालें। मैं यहाँ पर गाजर और शिमला मिर्च ले रही हूँ। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें बारीक काट कर डाल सकते हैं। अल्पाहार टर्मरिक पाउडर, आधा छोटा चम्मच अल्पाहार टर्मरिक पाउडर डालें। स्वाद अनुसार नमक डालें और एक बार अच्छे से चलाएं। भीगा हुआ सच्चा साबू का चीनी दाना वैरायटी साबूदाना मिलाएं। सभी सब्जी साबूदाना और मसालों को अच्छे से मिला लें। पाँच सात मिनट के लिए ढककर पकाएं। नींबू का रस मिलाएं। नींबू डालने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एकदम खिला खिला सच्चा साबू साबूदाना उपमा तैयार है। इसे गरम गरम परोसें।